इस केस में जो अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि फांसी हुई है, प्रावधान ही नहीं है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अधिकतम 10 वर्षों का सजा का प्रावधान है, लेकिन कहा गया है कि इनको गला दबा के मारा गया है। मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ उससे अलग आता है तो डिफर कर जाएगा। यदि कोई हमको धमकी आता था हमारी बच्ची को, तो आपको जानकारी पहले थी तो आपने कभी पुलिस को कोई रिपोर्ट किया, कभी नहीं तो ये किया सबूत होता जी। कि कभी। आप ये ध्यान समझाइए दीजिए कि समर सिंह पर जो आरोप है जी। वो आरोप है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये 306 IPC के तहत ये होता है। समझाइए समर सिंह है उनको अब बेल मिल जाएगा, बिल्कुल। उनके माता जी का आरोप तेजा। आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से आकांक्षा दुबे केस बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, समर सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि समर सिंह पर कौन कौन सा धारा लगा है और इस केस में क्या नया रुख देखने को मिलेगा। कैसे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि समर सिंह पर जो आरोप है जी वो आरोप है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये 306 IPC के तहत ये होता है, जो मुख्य रूप से जो आरोप है। तो ऐसे केसेस में ये आरोप है कि इनके इन्होंने एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न किया जिस वजह से आकांक्षा दुबे को आत्महत्या करने के लिए जी मजबूर होना पड़ा। लेकिन बाद में लोगों का कहना है कि पहले भी धमकी देता था, मारते थे। अब ये तो बाहर की जो माहौल है या आपके दिमाग में वो चीज, और कोर्ट के अंदर एक अलग माहौल होता है जज और वकील के बीच, वो देखा जाता है कि कानूनी रूप से क्या सबूत के तौर पर उनके सामने क्या आया। तो सबसे पहले जैसे इनकी माता का कहना है कि इससे पहले हमको धमकी आता था हमारी बच्ची को, तो आपको जानकारी पहले थी तो आपने कभी पुलिस को कोई रिपोर्ट किया, कभी नहीं तो ये किया सबूत होता जी। कि कभी आपने खबर किया कोर्ट करने तो नहीं दिया, तो कैसे मान लेंगे कि उसने ये कहा। कोर्ट की बात में बता रहा हूँ। फिर देखा जाता है कि मारते हुए या धमकी देते हुए किसी ने देखा, किसी ने सुना, तो बोले आंसर यदि निगेटिव होता है तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलता है। जी तो ये अभी जो चीज है, मान लीजिए फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि इनको गला दबा के मारा गया है, मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ उससे अलग आता है तो डिफर कर जाएगा। यदि उनकी कहा जाता है कि आत्महत्या नहीं हत्या था, तो हत्या था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा जाता है कि शरीर में कहीं और चोट खरोंच का निशान है, यदि किसी की हत्या होगी तो आदमी को प्रोटेक्ट करेगा, चोट लगेगा, बचने का, भागने का या कुछ भी कोशिश करेगा, तो अगल बगल में कहीं छिलाया भी होगा, तो उस सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा आ जाता है कि बॉडी पर इतने दाग थे, इतने जख्म थे। तो इन सब चीजों को ध्यान पे रख के तब कोर्ट को निर्णय देना होता है कि क्या है। लेकिन सामान्यतः इस केस में जो अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि फांसी हुई है, प्रावधान ही नहीं है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अधिकतम 10 वर्षों का सजा का प्रावधान है, लेकिन वो सजा बाद में बेल के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में जो जिस नेचर का केस है, क्योंकि परिस्थिति जन साक्ष्य है, कोई आई विटनेस नहीं है इसमें, किसी ने अपनी आंखों से घटना को देखने की बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति का लाभ अभियुक्त को मिलता है सामान्यतः कानूनी दृष्टिकोण से। तो इनके ऊपर जो है सो ये सब चीजों का दलील दिया जाएगा, तो बेल की संभावना प्रबल होती है। यानी जो समर सिंह है उनको अब बेल मिल जाएगा। बिल्कुल। उनके माता जी का आरोप है कि समर सिंह उनकी बेटी को मारते थे, कई बार उनके आंख में भी चोट लगा था, तो क्या ये बात में सच्चाई है? देखिए, अब वो रिपोर्ट की बात में, अगर रिपोर्ट क्या आया है, उसका अनुसंधानकर्ता साक्ष्य के तौर पर क्या क्या चीज लाते हैं, वो सब चीज पर निर्भर करता है कि क्या है, और उन तमाम परिस्थितियों पर। लेकिन जो जहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस लेता है, तो बेल के लिहाज से थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन देखिए अब साक्ष्य क्या आता है उस पर निर्भर किया जाएगा। समर सिंह काफी दिनों से गायब थे, मोबाइल बंद था उनका, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति पर यदि संदेह, अब उसकी उनकी माँ का बयान आने लगा कि इन्होंने समर सिंह की वजह से हमारी बेटी मरी, जी तो उनको संदेह था कि भाई हम पर केस हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति पर यदि संदेह होगा तो स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति पर, आप ही पर यदि कोई कह दे कि मर्डर केस में तुम्हारा नाम आ रहा है, तो पहले बचने की आप करेंगे, मोबाइल ऑफ करेंगे, कहीं साइड हो जाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल का प्रयास करेंगे। तो ये सब तो नेचुरल फेनोमेना है, तो जिसके तरफ वो किया गया। सर, जिस तरह से गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, अब बनारस लाया गया है, तो क्या क्या कार्रवाई होगी, क्या क्या इसमें प्रावधान इसमें है? अब वो जेल जाएंगे, जेल जाने के बीच में लोगों को बेल के लिए ऑप्शन बनता है, बेल के लिए वो प्रयास करेंगे, और इस तरह के केसों में सामान्यतः हाईकोर्ट से बेल मिलता है, तो हाईकोर्ट से ही लोगों को बेल मिलने की ज्यादा संभावना है। जो जिस तरह से समर सिंह पर आरोप लगा है, अगर ये आरोप खारिज हो जाता है, तो कितने दिनों के अंदर समर सिंह बाहर आके अपना काम या गाना शूटिंग वगैरह कर सकते हैं?
अभी ये बहुत लंबा प्रतीक्षा है, इनको बेल उल में नहीं करना पड़ेगा, बेल की प्रक्रिया पे सुनवाई बहुत जल्दी आती हो जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट तक आने आना पड़ेगा इनको। तो ये सब चीज़ पर देखिए, सामान्यतः सबऑर्डिनेट कोर्ट में इस तरह की धारा में देने से परहेज करती है, लेकिन इनका लक और स्वभाव अच्छा रहा, सबूत का हम जो रहा तो उनको वहां से भी मिल जाएगी, यही चीज़ है, ज़्यादा क्या लेना। ठीक, तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ शिवनंदन भारती सर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि समर सिंह को अब बेल मिल सकती है। अगर उन पर आरोप जो लगाया गया वो आरोप खारिज होते हैं, कोर्ट में वो साबित नहीं होता है, तो समर सिंह फिर पहले की तरह गाना हिट पे हिट देते नजर आएंगे, ये कहकर भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं, और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा, और आप देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी। जय हो भोजपुरी समाज, जय हिंद।